अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हमारी वीडियो की टॉपिक डबल बॉडी रशिया AK-47 के ऊपर है। 54 मॉडल राइफल है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी कंडीशन वगैरह। तो आपके साथ इसकी रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कल हमने जो है ना वीडियो AK-75 के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ, इस पर सबसे पहले रिसर्च कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कहीं गलत तो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई किस्म के राइफल देखे, AK-47 के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि इसके नॉलेज हम ज़्यादा रखते हैं। इसके ना उल्टी सीधी कमेंट करें कि इस मॉडल में नहीं है, हमने बहुत मॉडल देखे हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा, हमने खुद पर रास्त इसको देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। तो अभी टॉपिक क्या था, ये जो राइफल देख रहे हैं ये डबल बॉडी राइफल है, 54 मॉडल, आप देख सकते हैं इसको, आप इसकी कंडीशन वगैरह खुद देख सकते हैं, आप इसकी जो राइटिंग है ये भी देख सकते हैं, बोल्ट वगैरह फिनिशिंग वगैरह खुद देख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त राइफल है दोस्तों। इस राइफल में तीन किस्म के राइफल होते हैं डबल बॉडी के। एक जो है ना इसकी जो लोगो है इसके अंदर होते हैं, ये 54 मॉडल राइफल है। सबसे पहले डबल बॉडी में वो राइफल था, अभी जो है ना सेकंड मॉडल जो है ना ये पट्टी वाली जगह जिस राइफल डबल बॉडी की यहाँ होती है, दूसरा मॉडल ये है, और तीसरा मॉडल ये है कि ये पट्टी वाली जगह इधर होती है। ये तीन मॉडल है। वो ओल्ड मॉडल जो है ना 1944 है, अभी जो है ना 45, 46, 54 तक जो है ना ये मॉडल है, और इसमें जो फेमस मॉडल है यानी जो लेटेस्ट मॉडल है वो ये पट्टी वाली है, जो ये पट्टी वाली जगह इधर होती है। इसको आप देख सकते हैं, ये फेमस मॉडल होते हैं डबल बॉडी में, सिंगल बॉडी नहीं, डबल बॉडी में ये जो इधर इसकी ये जगह होती है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये अपनी कंडीशन में, अपनी कलर में, इसका जो प्राइस है आजकल, इसका जो प्राइस है हमने तकरीबन 1,20,000 रुपये पे लिया है, जो है ना एक महीना दो महीने पहले 1,20,000 पे लिए। और इसकी जो ये फोल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये फोल्डिंग जो है ना ओरिजिनल फोल्डिंग नहीं है, ये पहले बट स्टॉक में था, अभी जो है ना इसमें हमने फोल्डिंग लगाए। और व्यूवर्स, आप लोग कई लोग हैं जो राइटिंग को देखते हैं कि इसके ऊपर लिखाई नहीं है या राइटिंग वगैरह नहीं है, तो इसका कोई, अभी इसको आप देख सकते हैं इस पर राइटिंग है ही नहीं, मॉडल है ही नहीं, तो फिर आप लोग क्या कहें कि ये रशिया नहीं है या ये 54 मॉडल नहीं है। आपको कंडीशन पे और गन को जो है ना आपने देखना है। मॉडल तो मैं आपको लोकली पर जो है ना 75 वाला मॉडल लिखूंगा, जैसे कि लोकल में जो है ना बनाते हैं वो सारे के सारे 75 मॉडल जो है ना 75 मॉडल होगा। तो आपने मॉडल को नहीं, गन की कंडीशन को देखना है। इसमें ऐसे गन भी होते हैं रशिया में मुख्तलिफ किस्म के जिस पर मॉडल नहीं होते, जैसा कि ये बिल्कुल फ्रेश राइफल है। तो इसका मैक्सिमम रेंज 800 मीटर मैक्सिमम रेंज है, बहुत ज़बरदस्त राइफल है। इसकी जो है ना वेट थोड़ा ज़्यादा है सिंगल बॉडी के, लेकिन ये बहुत पायदार होती है, बहुत पायदार राइफल है। आप इसको देख सकते हैं, मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आला मैकेनिज्म का हो इसने रूस ने मेड किया, तो बहुत ज़बरदस्त है। आप इसकी कंडीशन खुद देख सकते हैं, इसका जो ये बैरल है ये सॉरी इसका जो बट स्टॉक है ये ओरिजिनल नहीं है, बाकी सारे के ओरिजिनल है। तो आजकल इस तरह से बंदूक जो है ना ये हमने तकरीबन 1,20,000 पे लिए है, तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसका जो मैक्सिमम रेंज है आप इसको देख सकते हैं, 800 मीटर मैक्सिमम रेंज है, और टॉप वगैरह कंडीशन वगैरह खुद देख सकते हैं। इसमें टेस्ट फायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ शॉर्ट वीडियो थी डबल बॉडी के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। तो आपने राइटिंग वगैरह को नहीं, राइटिंग को भी देखना है, इस तरह से नहीं कि मॉडल को आपने नहीं देखा है, लेकिन आपको जब थोड़ा मसला है तो फिर लोग कमेंट कहे कि इसके ऊपर राइटिंग नहीं है, इस पे ऊपर ए लिखा है, बी लिखा है, ए बी का कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज हमारी शॉर्ट वीडियो थी डबल बॉडी के बारे में, आपके साथ कुछ मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और डबल बॉडी का ये सबसे बड़ा जो है ना ये इसकी जो मज़ल है आप देख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आते हैं कंपनी की जानिब से। तो ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त राइफल है। मैंने सोचा कि AK-54 मॉडल के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ, तो इसलिए ये शॉर्ट वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है दोस्तों कि आज जो हमारी वीडियो की टॉपिक है वो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।